हेलो स्टूडेंट्स एम अमृता इंदौलिया योर केमिस्ट्री मैंटर और बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट टू अपने चैप्टर टू का जो कि है पीरियोडिसिटी ठीक है पार्ट टू में अपन को क्या पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल फर्स्ट पार्ट में देखो आपको याद होना चाहिए मैंने आपसे क्या क्या डिस्कशंस किए थे सारे के सारे पुराने जो पहले डिस्कवरीज हो चुकी थी रिगार्डिंग वॉट रिगार्डिंग योर पीरियॉडिक टेबल क्या उनके फेलियर्स थे क्या उनके एक्सप्लेंस थे ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी क्लियर अब सेकेंड पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज मैंडिवस पीरियोडिक टेबल सो आइए मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल लॉ सबसे पहले तो ईयर याद कर लो 1869 में बार बार वही चीज़ आपको फोकस कर रही हूँ और कह रही हूँ कि बेटा ईयर्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको उसको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और याद भी करना है कौन से ईयर में आए थे 1869 एक बार फिर से आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ लेवस देन प्राउड देन मिस्टर डोबशोब योर डबन न्यूलैंड ऑक्टिव याद आ गए होंगे मेरे साथ साथ इसी तरीके से लिख लिया करो और इसके बाद एक और पढ़ा था बताओ न्यूलैंड ऑक्टिव के बाद लोथर मेयर ये पांचों के पांचों मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए थे अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इन अ मॉडर्न फॉर्म उसमें हमें पढ़ना है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल आ जाओ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटमिक वेट मैं बार बार वही चीज़ कह रही हूँ लोथर मेयर ने भी वही कहा था क्या कहा था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन शॉर्ट किसके एटमिक वेट और यू कैन से मास ठीक है बड़ा ही गंदा लिख दिया मैम आपने ये तो अच्छा नहीं लग रहा अच्छा लिखो लिख देती हूँ अच्छा लिख देती हूँ क्या है ये पीरियडिक प्रॉपर्टी टू वेट और मास ठीक है क्लियर आ जाओ समझ लेते हैं थोड़ा सा थोड़ी इसकी ब्रीफिंग कर दूं कि एग्जैक्टली exactly इसमें है क्या पहले तो देखो सबसे पहले ये याद रखो ये टेबल दिख रही है पीरियोडिक टेबल ये अभी फुल फॉर्म नहीं है हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन व्हाट बेस्ड ऑन मैंडली पीरियोडिक लॉ क्लियर आ जाओ पीरियड्स कितने पीरियड्स होते हैं यहाँ पर सेवन ठीक और अगर मैं बात करूँ ग्रुप्स की तो बेटा ग्रुप्स हैं यहाँ पर आपके नाइन अब आप कहोगे मैम ग्रुप्स तो एट ही है ना जीरो टू एट सो नाइन कंसिडर हम करते हैं एट को क्योंकि जीरो ग्रुप जो था वो आपका बहुत ही लास्ट में डिस्कवर हुआ था अभी मैं आपको सारी चीज बताऊंगी अब देखो सबसे पहले देखो जीरो ग्रुप के अंदर ये सारे क्या हैं आपके ग्रुप्स हैं बच्चा सो दो आर वॉट ग्रुप्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब देखिए इन ग्रुप में सबसे पहले जीरो ग्रुप में इन्होंने किस किस को मेंशन किया है हीलियम आर्गन क्रिप्टन एंड ठीक फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप के अंदर ए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम अब यहां पर इन्होंने क्या किया है दो दो एलिमेंट्स ले लिए हैं जबकि जीरो ग्रुप में आप देख रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं सिंगल इसका रीजन अभी बताती हूं क्या है तो आपने इनको आइडेंटिफाई किया वन ए बी ग्रुप सेम ऐसे ही सेकेंड ए एंड बी थर्ड ए एंड बी फोर्थ ए एंड बी ए एंड बी ए बी ए बी अब यहाँ पर ए बी सी नहीं कहेंगे इसकी अलग से वेरिएशन है अभी बताती हूँ पहले इतना इतना समझो फर्स्ट ग्रुप सिंगल एलिमेंट सेकेंड ग्रुप दो दो ग्रुप ए बी ए बी ए बी है ना अब आ जाओ ए और बी के कंसेप्ट में इन्होंने कहा कि मैंने कहा टोटल ये मैंडलीव थे कौन बेटा ये मैंडलीव वही हैं जिनके पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको याद आना चाहिए वन जीरो वन नंबर का जो एलिमेंट है ना वो इन्हीं के नेम से है क्लियर और इन्होंने ही कहा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हैं फंक्शन है अपने एटॉमिक मासेस का और वेट्स का क्लियर अब देखो इन्होंने अरेंजमेंट कर दिया हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन हमें पहले इसका बेसिक समझना है कि एक तो ये क्यों किस तरीके से रखे गए इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया कि जब मैंने दो दो एलिमेंट्स को लिया तो इन्होंने कहा ए और बी ग्रुप ठीक है ले लिया ए और बी ग्रुप अब मुझे इसमें यह समझ नहीं आ रहा कि मैम ये दो दो एलिमेंट्स को क्यों क्या किस तरीके से आप इनको वेरिएट कर रहे हो तो बेटा इसमें आप एक चीज़ देखोगे यहाँ देखो कैल्शियम दिख रहा है और यहां मैं कहूं जिंक ये भी ये भी फेल हुए थे अभी बताती हूँ कैसे इनके फेलियर्स क्या थे ना ये इन्होंने कुछ डिस्कवरीज अच्छी भी की थी अपने एलिमेंट्स की लेकिन इनके जो बेसिक फेलियर्स थे ना वो इन्हीं की खुद की कमी की वजह से थे वो क्या थी इन्होंने इस लॉ को जो खुद ने दिया कि एटमिक मास और वेट पर डिपेंड करता है खुद ने ही उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया

कैसी प्रॉपर्टी शो करता है कैल्शियम शो करता है बेटा आपकी आयनिक मैं इसको थोड़ा रब कर दूं एक बार के लिए तो आपको समझ में आएगा सी कैल्शियम आपका शो करता है आयनिक कंपाउंड के केस में जबकि जिंक आपका शो करता है कोवेलेंट और इन्होंने खुद ने क्या कहा कि मैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के ग्रुप्स को एक एक ग्रुप में रखता जा रहा हूं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर रहा हूं लेकिन यहां इन्होंने खुद के ही लॉ को इसमें भी फेल कर दिया तो ये इनका सेकेंड ड्रॉबैक था ठीक अब ये जो है ना बेटा आपको दो कलर्स में दिख रहे हैं कुछ ब्लू दिख रहे हैं कुछ आपको पिंक दिख रहे हैं तो ये जितने भी पिंक वाले हैं सी देखो पिंक वाले के लिए पिंक ही ले लेते हैं ये जो आपके पिंक वाले एलिमेंट्स हैं दिस दिस This. दिख रहे हैं आपको ये सारे बेटा ये जो एलिमेंट्स थे ना और ये आपका ग्रुप पूरा ये सारे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए थे ठीक है लेकिन इन्होंने क्या किया डिस्कवर तो ये बाद में हुए लेकिन इन्होंने इसके साथ में इनको मर्ज करके ग्रुप में रख दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मासेस के लो एटॉमिक मासेस के तो खुद ने ही अपना लॉ फेल कर दिया पहले तो यहां पर और दूसरे लॉ में उन्होंने फिर यह कह दिया कि नहीं चलो ठीक है ये चीज मैंने मान ली लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरीज को इन्होंने फिर कैसे पुट कर दिया नहीं करना चाहिए था प्लस सेम प्रॉपर्टीज की बात इन्होंने ही कही थी कौन सी देखो सेम प्रॉपर्टीज कहा है ये तो आयनिक शो कर रहा है ये कोविलेंट शो कर रहा है तो इसको भी इन्होंने ही गलत साबित किया तो इस वजह से बेटा ये जो है कौन सा कौन थे मिस्टर Leaf, ये इनके ड्रॉबैक थे लेकिन इन्होंने एक चीज अच्छी भी दी इन्होंने ऑक्साइड फॉर्मेशन के बारे में बताया मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करूंगी ऑक्साइड फॉर्मेशन का आ जाओ देखो इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या थे पहले वो थोड़ा सा पढ़ लो इट इज बेस्ड ऑन द एटमिक वेट ठीक है हैं कुछ में लेकिन कुछ फेलियर्स थे 63 एलिमेंट्स वर नोन नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड टोटल इन्होंने कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी 63 की और इन्होंने किसको यूज़ नहीं किया नोबल गैसेस को मैं अगर इसको यहाँ पर मार्क कर रही हूँ तो आपको वहाँ पर लिखना है मेरे साथ साथ और याद कर लो यही ड्रॉबैक पे क्वेश्चन आता है क्लियर नेक्स्ट ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर मीन्स हॉलीजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स मैंने अभी आपको बोला क्या बोला था जो पीरियड्स जिसको आप कहते हैं एक पीरियॉडिक टेबल के अंदर सेवन पीरियड्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था और नाइन ग्रुप्स हम वहां पर पढ़ते कितने हैं मेजरली एट हम इसीलिए इनको बोलते हैं एट ग्रुप्स को किसने आइडेंटिफाई किया था मिस्टर ने, ने तो ये इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप कैसे शो करते हैं हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के फॉर्म में हॉरिजेंटल रोज और कॉल्ड पीरियड्स दैट देवर कितने इन नंबर सेवन इन नंबर याद रख लो वर्टिकल कॉलम्स आर वॉट ग्रुप एंड इनका नंबरिंग क्या है दिन नंबर्स क्लियर नेक्स्ट इच ग्रुप अपू एट सेवेंथ इज डिवाइडेड इन ए एंड बी सब ग्रुप यही मैंने आपको बताया था वन टू सेवन देखो वन टू सेवन मैंने ए बी ए बी एपको डिवाइड किया है एंड आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट बी सब ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमने नीचे रखे थे ना प्रॉपर्टीज वाले बी वाले वो क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं याद रखो इन चीज़ों को यही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं मेरे सिटी में द एर्ट्थ ग्रुप वॉज कंसिडर्ड ऑफ नाइन एलिमेंट्स इन थ्री रोज जिनको आप कहते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप देखो ये जो है ना बेटा एट्थ ग्रुप आपका दिस इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं नाइन एलिमेंट्स बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि एट्थ ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं तो आपको याद रखना है एट्थ ग्रुप में नाइन एलिमेंट्स होते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को आप कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कहते हैं आप इनको सी इनको आप कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर टोटल इन कितने हैं हैं? ये कौन-कौन से देखो, देखो, अब एट कंसिस्ट ऑफ नाइन एलिमेंट्स इन थ्री रोज जिनको आप कहते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज ठीक है अब आ जाओ इसकी कुछ एडवांटेजेस के बारे में मैं बात करती हूँ सबसे पहली एडवांटेज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स क्लासिफाइड इन ग्रुप्स इन वॉट इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देअर सिमिलर प्रॉपर्टीज बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा है सो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम ईजियर नॉर्मल सा एनमिन था सेकेंड प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स इट गिव एनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एज सेम गैप्स इन इट। आपने देखा मैंने आपसे बात की कि उसने सेम ग्रुप के एलिमेंट्स को उसमें कर दिया, आपने पर देखा कि कुछ स्पेसेस वहाँ पर फाइंड आउट हुए क्यूं? जैसे हुए ना मैंने मासिस के फॉर्म में आपको बताया उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सीविलेक्टर शो करते हैं कुछ आइनिक शो करते हैं उसकी वजह से अब स्कैंडियम कौन से थे वो स्कैंडियम गर्मेनियम एंड टिकम ठीक है? अब देखो अब ये जो एलिमेंट्स थे वन जीरो वन तो इनके नाम से ही था वन जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन कॉमन नेम्स क्या थे ये रिसेंटली डिस्कवर है एलिमेंट्स है बेटा जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं कॉमन नेम्स इसका वन जीरो फोर को आप कहते हैं रदर फोडियम जिसको आप डिनोट करते हैं आर एफ से और कर्चोटोरियम जिसको आप डिनोट करते हैं के यू से अगर मैं इसका आई यू पी एस सी नेम की मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं अन क्वेडियम क्या कहते हैं आप अन निल क्वेडियम जी बेटा बिल्कुल याद करनी है ये चीज़ आपको इस फॉर्म में भी क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं बड़ा ये ऐसा नहीं लग रहा साउथ की कोई मूवी का हीरो है उसका कैरेक्टर है भाई क्या अन निल क्वेडियम है ना साउथ वाले टच में आ गए आप पीछे गया यूनिक यूनिक नहीं है यू एन क्यू इसका डिनोशन है आप शॉर्ट में याद कर लो यूनिक नेक्स्ट वन जीरो फाइव डबन्यूएम वो थे डोब शोप डोबेनेर डबनियम मूवीज डब होती हैं ऐसे याद कर लो किससे डिनोट करोगे डीबी से हेनियम एच ए अन निप एंटियम है फिर एक नया साउथ का हीरो है पहला था अनिलक्डियम को अच्छा लग रहा था प्यारा लग रहा था ये अनिपेंटियम अन यू एन पी थर्ड वन जीरो सिक्स इस पे आओ सी बोर्गियम क्या नेम है इसका, C. इसका सी बोर्म किससे डिनोट करोगे एस जी सेक्स्ट सॉरी वन जीरो सेवन नंबर पर यह एटमिक नंबर है इनके बोहरियम वॉट बोहरियम किससे डिनोट करोगे बी एच अनिल

किसे डिनोट करते हैं एम से और इसका नेम है अनिलेनियम अन मिलेनियम नहीं अनिलेनियम अन ठीक है इसको आप डिनोट करते हैं यू एन ई याद करने के लिए याद रख लो क्वाड्रा के लिए पीछे क्यू आ रहा है देखो क्वाड्रा वन जीरो फोर नंबर है ना इसका क्वाड्रा के लिए पीछे क्या आ रहा है क्यू इसमें यूएनपी पीछे वन जीरो फाइव वाला है तो पीछे क्या आ रहा है पेंटियम हेगियम एक्स एच तो आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए यूएनएच यू एन एस सेप्ट ऑप्ट और एनएम नाइन नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं चलो आओ ब्लैक स्पेस एट एटमिक वेट सेवेंटी टू इन सिलिकॉन ग्रुप वॉज कॉल्ड इका सिलिकन किसके लिए बात की है उसने सिलिकन ग्रुप में ब्लैक स्पेस के लिए बात की है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 72 उसको आप कहते हैं इका सिलिकॉन मतलब मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन एंड एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर वॉज नेम्ड जर्मेनियम इसका मतलब ये है कि आप पीका सिलिकन किसको कहते हैं जर्मेनियम को हाँ बिल्कुल याद रखनी है ये चीजें ये लेटेस्ट डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चन का आइडिया तो तुम सबको है नहीं होगा तो मैं बता दूंगी लेकिन लेटेस्ट वाला भी हमें आना चाहिए जर्मेनियम जो है उसी को आप क्या कहते हैं एका सिलिकन ऐसे ही सिमिलर अदर एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर मैंडली पीरियोडिक टेबल कौन कौन से थे देखो एका एलुमिनियम एका एलुमिनियम जिसको आप क्या बोलते हैं गैलियम मतलब इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कैसी होंगी लगभग एलुमिनियम ही जैसी एका सिलिकन मीन्स जर्मेनियम जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज जो सिलिकन को रिजेंबल करता है उसी को आपने नेम दिया क्या एका सिलिकन एका बोरोन तो आप कहेंगे क्या स्कैंडियम बिल्कुल ये याद करना है याद कर लो मैंने इतने सारे स्टार्स बना दिए ना इस पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एका मैग्नीज़ जिसको आप कहते हैं टिकनेशियम क्या है इनके डिनोशन गैलियम इज जी ए जर्मेनियम इज जी ई स्कैंडियम इज एस सी टेक्नेशियम इज टी सी सारे डिनोशंस के साथ याद रखना है हैंड टू हैंड आ जाओ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज प्रेजेंट इन मैंडलिवस पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ के आए हो ना बताओगे आप तुम इनमें से कौन सा एलिमेंट वाज़ वॉज प्रेजेंट इन मैंडलिव पीरियोडिक टेबल एस सी टी सी जी ई बताओ आंसर सब जानते हो मैं तो बता दूंगी तुमने तो अभी पढ़ा है अभी डिस्कस किया है मैंने आंसर इज नन ऑफ दीज नहीं याद आ रहा है तो बैक पे जाना दोबारा से देखना बैक स्लाइड खुद ने कॉपी में भी लिखा होगा रिमाइंड करना उसको क्लियर और देखना कि कैसे नेक्स्ट करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटमिक वेट ये क्या था करेक्शन वर्ट आर एट एटमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स आई थी ना बात यहां वैलेंसी की बात करेंगे कैसे एटमिक वेट इज इक्वल्स टू वर्ट वैलेंसी इन टू इक्वलेंट वेट एटमिक वेट होता ही क्या है वेलेंसी इन टू इक्विलेंट वेट प्लीज नोट इट डाउन बच्चा लो ठीक है नेक्स्ट आते हैं इनिशियली इट वॉज फाउंड दैट इक्विलेंट वेट ऑफ बैरिलियम इज फोर पॉइंट फाइव एंड इट इज टेटरावेलेंट सॉरी इट्स ट्रावलेंट हर इज एन एरर सॉरी फॉर दिस कितना है इट इज ट्राइवलेंट क्यों क्योंकि इसका वेलेंसी कितना है थ्री इसकी वेलेंसी कैसी है यह है ट्राइविलेंट ट्राइविलेंट है तो इसकी वेलेंसी कितनी हो जाएगी थ्री तो इसको आपने बीट को बोला कि वेट कितना हो गया इंक्रीज हो गया थर्टीन पॉइंट फाइव तो ये मैंडलीव के टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता सो so, आफ्टर करेक्शन इट वॉज फाउंड दैट इज एक्चुअली डायवेलेंट और वो आपने करेक्शन कहाँ से निकाला यहाँ से इस फॉर्मूले से इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लीज नोट इट डाउन एटम वेट इज इक्वल्स टू वॉट वेलेंसी इन टू इक्लेंट वेट तो आपने देखा कि इसकी विलेंसी कितनी हो गई टू अब आ जाओ नेक्स्ट इस में अब ये क्या है देखो मैंने आपसे बोला जो मैंडलीव थे इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था डिस्कवरी की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो सारा मैंने आपसे डिस्कशन किया अभी अब इन्होंने जो बोला देखो आपको सबको पता है हमने ग्रुप्स में रखे थे फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ मैंने यहाँ सेवन तक ही लिया है क्योंकि आपको पता है एटथ ग्रुप में तो कितने एलिमेंट्स आते हैं नाइन जो कि क्या कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल आइटम्स उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ यहाँ हमने लिया है फर्स्ट ए से से सेवन्थ ए ग्रुप तक वैलेंसी आपको पता है क्या होती है वन टू वन बढ़ती जाती है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्लियर इसके केस में अगर मैं एग्जाम्पल लेकर चलूँ तो आप कहते हैं एन ए टू ओ सी ए एल टू ओ थ्री सी ओ टू एन टू ओ फाइव एस ओ थ्री एंड सी एल टू ओ सेवन क्या दिख रहा है यहाँ पर क्या आपको वैलेंसी के साथ साथ दिख रहा है कि ऑक्सीजन क्या है बढ़ता जा रहा है बढ़ रहा है इन्होंने बेटा एक बहुत अच्छी चीज़ हमें बताई थी इन्होंने ऑक्साइड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बताया था किसका ऑक्साइड फॉर्मेशन का जबकि उस टाइम पर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की कोई इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं था कुछ भी नहीं था फिर भी इन्होंने इस पीरियडिक टेबल के थ्रू ये ऑक्साइड फॉर्मेशन बताया था जो कि आज के टाइम में बात की जाती है इसलिए इनको इस चीज़ के लिए तो रियली थम्सअप है आप एक चीज़ देखिए ऑक्साइड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट मैंने उस टाइम पे बता दिया लेकिन लोगों ने इसको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया क्यों नहीं किया कंसीडर क्योंकि उनकी बिलोंगिंग्स तो चल रही थी सिर्फ ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लेकर ठीक है तो आपको ये याद रखना है कि वेलेंसी फैक्टर के थ्रू आपको हमेशा पता है कि एक 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 एलिमेंट जैसे जैसे वेलेंसी बढ़ रही है ऑक्साइड बढ़ते जा रहे हैं तो इन्होंने कौन मैंडलीव भूला मत करो तुम लोग एक तो ना ंडलीव ने ऑक्साइड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बताया था ये मैंने एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया है आपको सिर्फ इस चीज को बताने को क्लियर नोट डाउन नेक्स्ट अब इनके डिमेरिट्स क्या थे अभी तक हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली इनके जो मेजर चीजें थी बात कर ली अब मैं बात कर ली तो थोड़ी बहुत इनकी डिमेरिट्स की क्या थी फर्स्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिजाम्बल्स बोथ वॉट एल्केली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप एंड द हैलोजेंस इन सेवेंथ ए इन प्रॉपर्टीज सो मैंडलीव कुड not डिसाइड where to प्लेस इट क्या हुआ था इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन क्या कहता है एल्कली मेटल्स तो फर्स्ट ए ग्रुप में आ रहे हैं जबकि हेलोजन्स आ रहे हैं सेवेंथ थे में लेकिन ये ये नहीं पता कर पाया कि इनको मैं रखूँ कहाँ एग्जैक्टली उस पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में मैं इनको इंसर्ट करूँ इसलिए यह इसका पहला ड्रॉबैक था सेकेंड ड्रॉबैक क्या था पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स एज एटोमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स डिफर किसकी बात कर रही हूं एटोमिक वेट्स की दे शुड हैव प्लेसड इन डिफरेंट पोजिशन इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल क्लियर देखो जैसे जैसे आइसोटोप्स डिफर होते जाएंगे एटोमिक वेट्स के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे दे शुड हैव प्लेस्ड इन डिफरेंट है अलग अलग पोजिशंस पर रख दिए जाएंगे जबकि हम तो बात कर रहे हैं हमें तो सेम प्रॉपर्टीज वाले रखने हैं अब यहाँ तो बात कर रहा है कि ये तो differ तो ये ये तो तो डिफर हो रहा है भी भी इसका क्या था ड्रॉबैक इसलिए फेल हुआ था बट देयर वर नो सच प्लेसेस फॉर आइसोटोप्स इन मेन टेबल्स क्लियर फिर एनिमल पेयर ऑफ एलिमेंट्स क्या मतलब था सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक वेट वो एलिमेंट्स की इन्होंने यहां पर बात की थी ये डिमेरिट थी कि जो एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट ही फॉलो नहीं कर रहे तो उनको कैसे रख दोगे आप और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पीरियडिक टेबल अरेंजमेंट कैसा है एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सो so, इसको इन्होंने फॉलो नहीं किया उन पेयर्स को हमने क्या कहा एनिमल पेयर्स एक एग्जाम्पल देखते हैं आ जाओ आर्गन एंड कोवाल वर्क प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम एंड निकल रिस्पेक्टिवली इन द पीरियडिक टेबल बट हैविंग हायर एटमिक वेट्स देखो आर्गन का एटमिक वेट कितना है थर्टी नाइन पॉइंट नाइन पोटेशियम का है थर्टी नाइन पॉइंट वाइन यही कह रहा है आर्गन एंड कोबाल्ट इसका कितना है फिफ्टी एट पॉइंट नाइन वर्क प्लेस्ड बिफोर किस किसके दिस एंड दिस इन दिट बट है इनके एटमिक वेट्स क्या है ज्यादा है देखो खुद ही दिख रहा है आपको इसका ज्यादा है इससे

बट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स इन मैंडलीफ टेबल कौन कौन से थे वो प्लेटिनम एट ग्रुप में रखा गया जबकि गोल्ड फर्स्ट बी ग्रुप में रखा गया जबकि ये क्या कह रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं सिमिलर हैं लेकिन इनको फिर डिफरेंट ग्रुप में क्यों रखा गया तो ये भी इसकी क्या थी एक डीमेरिट अनलाइक एलिमेंट जबकि जो अलग अलग थे सेम प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया देखो फर्स्ट टे में ये बात कर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुवेडियम सीजियम कॉपर सिल्वर गोल्ड जबकि फर्स्ट बी की मैं बात करूं तो लेस रिएक्टिव कॉइन मेटल्स कौन कौन से हैं ये हैं कॉइन मेटल्स कौन से कहलाते हैं ये कॉपर ए जी ए यू मेटल्स का मतलब जो आपके काइंस बनाने के काम आते हैं वो वाले सिल्वर के कॉइंस बनते हैं गोल्ड के कॉइंस बनते हैं कॉपर के कॉइन्स बनते हैं ना इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स काइनेज मेटल्स कौन कौन से होते हैं कॉपर सिल्वर और गोल्ड ठीक है आइए कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप अलोंग विद व्हाट सोडियम एंड पोटेशियम वाइल दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ओनली सिमिलर इन हैविंग व्हाट यस बेटा नोटेड डाउन इंपॉर्टेंट क्या कहा इन्होंने कॉपर सिल्वर और एल्युमिनियम को प्लेस किया गया फर्स्ट ग्रुप में किसके साथ सोडियम और पोटेशियम के साथ, साथ. जबकि ये डिफर करते हैं प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में सिमिलर है वो क्या है इनकी एन एस माइनस वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इट वॉज नॉट क्लियर दैट लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स आर रिलेटेड थर्ड ग्रुप और थर्ड बी ग्रुप ये तो क्लियर ही नहीं था कि लेंथना एक्टेनाइट्स को हम थर्ड ए ग्रुप कहेंगे या थर्ड बी ग्रुप कहेंगे तो ये सारी क्या थी मैंडलीव की डिमेरिट्स देखो मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन शुरू में आते ही कहा था मैंने जब आपको ट्रेड्स बता रही थी वो एक बड़ी सी टेबल आई थी आपने देखी थी वहाँ आते ही आपने सीधे लिखा था एक चीज कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू देयर एटमिक मास और उन्हीं को आप क्या कहते हैं एडमिक वेट तो आंसर बताओ मुझे अब लिख दिया ना मैंने ठीक है अब देखो अपना हाइपोथेसिस हुआ अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट भी पढ़ लिया अब हमको बेटा कुछ चीज़ें पढ़नी है क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब कंप्लीट फॉर्म में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी हमने इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे क्योंकि आपको पता है ड्रॉबैक मैंने आपसे सारे डिस्कस किए अब हम थर्ड पार्ट में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे इसका क्या मॉडर्न पीरियडिक टेबल का कंप्लीट फॉर्म ओके तब तक आप ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रिवाइज़ करो जिससे जब मैं थर्ड में आपको लिंक करूंगी ना तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इन केस होता भी है तो आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठो फिर बार बार वही कहूँगी एक फ़्लो फॉर्म बनाओ एक फ्लो चार्ट बनाओ क्लियर थैंक यू स्टूडेंट्स